भारत और जिम्बाब्वे के बीच वीजा, संस्कृति और तकनीक समेत छह क्षेत्रों में अहम करार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात। प्रसारण के क्षेत्र में भारत की तरफ से प्रसार भारती और जिम्बाब्वे के आधिकारिक चैनल के बीच बढ़ेगा सहयोग। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस्तेमाल से टेली मेडिसिन और टेली सर्जरी के उपयोग को दिया जा सकता है बढ़ावा। ऋषिकेश एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। कहा, आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में आया गरीब तबका। कर्नाटक की 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान पूरा। कड़ी सुरक्षा के बीच कैद हुई ईवीएम में राज्य के कई धुरंधरों की किस्मत। 6 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। सीबीआई विवाद में कूदे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कहा, अधिकारी की नियुक्ति या पद से हटाने का अधिकार समिति को। समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष शामिल। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से कटा सड़क और हवाई संपर्क। सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में बर्फबारी में फंसे 140 लोगों को निकाला। बर्फ की चादर से ढका केदारनाथ धाम।